Welcome to FacutSoft. Our aim is to spread knowledge and make people more aware. How to improve quality of a given image? इसके लिए जो word हम use करते हैं, that is called image enhancement. Image enhancement basically क्या है कि हमने जो given image है, उसकी quality को बेहतर बनाना है. अब क्या होता है कि इसका पहला question हमारे ज़हन में ये आता है कि भाई हमें इसकी need क्या है? जैसे मैंने क्लियर बताया जब हमने गोल्स ऑफ कंप्यूटर विजन कहा या गोल्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग कहा या एप्लीकेशंस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग कहा तो हमने क्लियर कहा कि अब हम इमेज प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट इसलिए पढ़ते हैं कि फर्स्ट लेवल पे हम इमेज जो गिवन इमेज है रिकॉर्डेड इमेज है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं. अब जो बेहतर बनाना है उसके लिए जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड इमेज एनहांसमेंट. इस इमेज एनहांसमेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग. ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं जो हमें पहले ही क्लियर होने चाहिए ताकि हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट कर सकें. अच्छा जी, अब फिल्टरिंग क्या है, कैसे यूज़ होती है, इस पर हम डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक डेफिनेशन. वो क्या है कि जैसे मैं आपसे दोबारा बात करूं कि इमेज क्या होता है, आप फौरन कहेंगे यार जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स हों. जैसे यहाँ पर हमने दिखाए ये कुछ रोज़ हैं हमारे पास और ये हमारे पास ऊपर जो है ये हमारे पास कॉलम्स दिए गए, एग्रीड, और एम रोज़ होती हैं और एन कॉलम्स होते हैं. अच्छा, अब क्या है बेसिकली, ये जो मैंने छोटा सा एक हिस्सा ये दिखाया हुआ है, लेट्स से ये हमारे पास पूरी स्क्रीन है. लेट्स से ये सारी जो स्क्रीन है और उसके अंदर ये जो है छोटा सा हिस्सा है. स्क्रीन से मुराद जो कैनवस है. लेट्स से अगर हम देख रहे हैं तो मेरा जो कैनवस है वो लेट्स से आगे भी हमें नज़र आता है, लेफ्ट भी राइट भी, कुछ हम बैक एंड पे भी गेस कर सकते हैं. लेकिन जिस चीज़ पर हम फोकस करें वो लेट्स से ये हमारा स्क्रीन है बोला. अगेन जिस पर हम फोकस करें वो भी कुछ रोज़ और कॉलम्स ही हमारे पास होंगे. अच्छा, अब इमेज को हम डिफाइन इस तरह करते हैं. अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकली बात करूं तो मैं कहता हूं इमेज इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. अब एक्स के और वाई के, जैसे मैंने पहले कहा था, एक्स जो है वो है हमारे पास स्पेशल कोऑर्डिनेट्स और वाई जो है वो हमारे पास कलर की वैल्यू है. अच्छा, जब हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं एक्स को और हम कह रहे हैं एक्स और वाई, अगेन ये जो x इटसेल्फ है ये अगेन दो चीज़ों से मिलके बना है. एक एक्स वाई अगेन है, एक्स वाई से मुराद क्या है, जिसके अंदर लोकेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स. और ये जो वाई है ये उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, वाई का मतलब क्या है कि कलर क्या है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दोबारा रिपीट करता हूँ, इमेज के एफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक्स और वाई दोबारा, जिसमें एक्स का मतलब स्पेशल कोऑर्डिनेट्स है, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एक्स भी होता है वाई भी होता है, एक्स डायरेक्शन भी और वाई डायरेक्शन भी. और ये दूसरा बड़ा वाई है, इस तरह आप इसे कहें, बड़ा वाई जो है ये है उन एक्स और वाई के ऊपर कलर कौन सा मौजूद है. लेट्स से अभी तक हम जो बात करते रहे ग्रे स्केल है, जिसमें 0 और 255 के दरमियान हमारे पास रेंज होती थी. हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास ये इमेज तो है गिवन इमेज, हम इस इमेज के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहे हैं जिसको हम कहते हैं टी. ये है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इस इमेज को ऊपर हम एक फंक्शन और फंक्शन लगाएंगे जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और इमेज में जिसे हम कहते हैं जी ऑफ एक्स वाई. ये जी ऑफ एक्स वाई क्या है, ये है इंप्रूव्ड इमेज, एनहांस्ड इमेज, ट्रांसफॉर्म्ड इमेज. तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, इस सारी मैं लिखने का मकसद क्या है, हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है जी ऑफ एक्स वाई. ये किस पे काम करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स ऑफ वाई. एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, ओरिजिनल इमेज, गिवन इमेज, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है कन्वर्ट करिए गिवन इमेज को इम्प्रूव्ड या एनहांस्ड इमेज में. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली दिस इज कॉल्ड इमेज एनहांसमेंट. और इस इमेज एनहांसमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन को करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं फिल्टरिंग या फिल्टर्स लगाना. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इटसेल्फ डिफरेंट फिल्टर्स ही होंगे.